हाय गाइस, ऑनलाइन तरीका आज मैं बताने वाला हूँ पीएफ ईपीएफ या यूएन जो भी ईपीएफ कहें उसमें नाम चेंज करने करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन, है ना। चलिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो है कि पीएफ में बहुत भारी पड़ जाता है। चलिए हम यहाँ यूएन नंबर टाइप करेंगे इस जगह पासवर्ड और यहाँ से कैप्चा कोड, है ना। यूएन एक्टिव कैसे करते हैं उस बारे में बहुत सारा वीडियोस पासवर्ड वगैरह कैसे बनाते हैं हमने बना रखा हुआ, उसका आई बटन पे डिस्क्रिप्शन वगैरह पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख कर सीख लीजिएगा। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ हम करके साइन इन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हम क्या सही करने वाले हैं। नाम सही है ये वाला, ये जो इधर देवी है ना, ये कुछ फालतू है, ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इस देवी को ठीक करना है, ठीक है, इनमें से, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैनेज है ना, इस जगह क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, क्लिक किया। अब ये बेसिक डिटेल्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये वाला पेज ओपन होके आ गया। यहाँ देखिए अवेलेबल डेटा डिटेल्स में आपका अगर इधर दिखेगा जो भी है, और इस साइड आपको चेंज रिक्वेस्ट के लिए भेजना है ना। तो यहाँ देख लीजिए इसका आधार कार्ड पहले से ही चढ़ा हुआ, ठीक है, इसलिए इसको आधार कार्ड डालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको इस टाइप से बॉक्स मिलता। अब देखिए ये इस चीज़ को आपको यहाँ पे सही नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ गलत होता तो आप दे देते, लेकिन हमें सिर्फ नाम चेंज करना है, ठीक। तो यूँ ही आपको सही सही यही चीज़ दे देना है जो आपका यहाँ, और यहाँ से मेल फीमेल जो भी है सेलेक्टेड है। और इस जगह से जो है कि आपको देखिए ये है एम्प्लॉयर, इसके माध्यम से आप करना चाहते हैं सही, ठीक है, वो आपका ये यहाँ से सेलेक्टेड है, ठीक। और बाद में जो है कि यहाँ से इस अपडेट पे क्लिक करने होंगे, ठीक है। ध्यान रहे सारा कुछ सही से आपको दो दो बार तीन तीन बार चेक करके भरना है। अब इसके बाद जैसे इस अपडेट पर आप क्लिक करते हैं ना, तो ये वाला पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको कंफर्मेशन करना होगा, कंफर्म करना होगा डिटेल्स को। यहाँ देखिए अवेलेबल डेटा या आप जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो वाला देख लीजिए, भली बात है आधार कार्ड में जैसा वैसा ही आप डालें। और अब आपको यहाँ से येस या नो, यानी हमें येस करने होंगे, अगर कोई गड़बड़ है तो यहाँ से कैंसिल या फिर नो करने होंगे, ठीक है। तो अब हम इसे इस येस पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप से यहाँ चेंजेस रिक्वेस्टेड सर्व्ड सक्सेसफुली बता रहा है, और ये जो है कि इस टाइप से है यहाँ पे, है ना, ये रहा, ये था हम इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। और बाद बाकी अभी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं चाहिए होता है, और यहाँ पे अभी पेंडिंग बता रहा है, ये एक्सेप्ट हो जाएंगे तो बाद बाकी सही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।